अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम 5 मिनट से भी कम टाइम में बना सकते हैं, और इसको हम सैंडविच मेकर में बनाएंगे। इसके लिए कोई ओवन हमें नहीं चाहिए होगा। तो चलिए हम रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक अंडा ले लिया रूम टेम्परेचर पे। इसमें मैं 5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, बारीक चीनी डाल रही हूँ, मैं इसमें पाउडर शुगर ऐड नहीं कर रही। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे कि ये बिल्कुल जो है वो एक फोमी सा जो है वो मिक्सचर बन जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपके लगेंगे, और इस तरीके का आप देख सकते हैं कि रेडी हो गया मिक्सचर। 1/4 कप मैं इसमें दूध ऐड करूँगी, ये भी रूम टेम्परेचर पे ही है, और 1/4 कप हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे तरीके से हम जो है वो बीट कर लेंगे। वनीला एसेंस से 1/2 टीस्पून ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब 1 कप मैदा है जिसको मैंने पहले से जो है वो छान ली है, ये इसमें ऐड कर देंगे। सारा इकट्ठा ही मैं जो है वो डाल रही हूँ उसके अंदर। और बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून ये डाल के हम इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट हमारा एक बिल्कुल अच्छा सा बैटर रेडी हो गया है। अगर इस तरीके से ना हो रहा हो तो आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। एंड में मैं इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, इसको मैंने काट लिया है। नॉर्मल जो चॉकलेट होती है बिल्कुल वही, आप चॉकलेट चिप्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। इसको हल्का सा हम फोल्ड करेंगे और हमारा बैटर जो है वो केक का रेडी हो चुका है। सबसे पहले हमने सैंडविच मेकर को ऑयल से जो है वो ग्रीस कर लेना है, ऊपर से भी और नीचे से भी, सारी साइड्स हम इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। अब इसमें हम केक का बैटर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा उसको हमने नहीं करना। तो मैं थोड़ा थोड़ा बैटर फैला के चारों तरफ डाल दूँगी। हर सैंडविच मेकर का जो है वो अपना टाइम होता है, कुछ का टाइमर होता है। तो अगर आपका सैंडविच मेकर का टाइमर है तो आप इसको 5 मिनट में सेट कर दें, लेकिन जो मेरे पास सैंडविच मेकर है वो तकरीबन उसका टाइम जो है वो 2 मिनट है। तो जब मैंने ऑन कर दी है और जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो येलो लाइट की जगह ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं, ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, ऊपर से बिल्कुल कलर आ चुका है। मैं नीचे से भी इसको देख लूँगी, नीचे से थोड़ा सा वाइट है तो नीचे से भी इसको हमने कलर देना है। तो मैं अगेन इसको जो है वो बंद करके दोबारा से ऑन करूँगी 2 मिनट के लिए। आप इस तरीके से इसको जो है वो 1-2 दफ़ा चला सकते हैं, देख सकते हैं। अगर ऊपर से कलर नहीं आया, नीचे से कलर आया है, तो आप इसकी साइड चेंज कर दें, ताकि दोनों तरीके से जो है वो दोनों तरफ से आपका केक जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो हमारा केक रेडी हो चुका है, मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। प्रॉपरली अंदर तक कुक हो चुका है और तकरीबन 4.5 मिनट में ये जो है वो रेडी हो गया। तो मैंने इस बैटर से जो है वो हाफ़ केक रेडी किए हैं, इतने और भी बन सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।